पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा के नौरंगिया थाना पुलिस पर वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध तरीके से पैसा वसूलने का आरोप लगा है। पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि नेशन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बहरहाल मामले में SDPO कैलाश प्रसाद ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं इस वीडियो के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। तो ये पूरा मामला बगहा का बताया जा रहा है। नौरंगिया थाना पुलिस पर वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध तरीके से पैसा वसूलने का आरोप लगा है और ये पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। और फिलहाल SDPO कैलाश ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी महिला से भी पैसा मांग रहे हैं, जो कि अवैध वसूली करने का उन पर आरोप लगा है। और इसका वीडियो भी किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, और जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बगहा से संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, पुलिस पर वर्दी के इज्जत को तार तार करने का दाग लगा है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। ये कहां तक मामला जो है सामने निकल कर आया और क्या कुछ सच्चाई है इसमें? राकेश जी बता दें कि बगहा का नौरंगिया थाना का पुलिस है जो यूपी बिहार सीमा पर मदनपुर के पास वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसमें एक महिला द्वारा अवैध रूप से रुपया लिया जा रहा था। और वो पुलिस वाले ने पूरी तरह से भरोसा दिला भी रहा है कि मैं रुपया ले रहा हूँ, तो आगे चेकिंग में आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, कोई थाना आपको परेशान नहीं करेगी। स्पष्ट उस वीडियो में उनकी आवाज भी आ रही है सोशल मीडिया पर लगातार, यह मतलब कल शाम से सारे सोशल मीडिया पर यह वायरल हो चुका है। इसको लेकर जब वीडियो हमारे पास आया तो मैंने बगहा SP शंकर कुमार यादव के पास मैंने इस वीडियो को भेजा और इसकी पुष्टि के लिए मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो को मैंने संज्ञान में ले रहा हूँ और इसको बगहा SDPO कैलाश प्रसाद से इसकी जांच कराया जा रहा है, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनसे कार्रवाई की जाएगी। जी राकेश, SP को संज्ञान में दे दिया गया है मामला और SDPO कैलाश प्रसाद ने भी जांच के आदेश दे दिए, तो क्या कुछ सफलता अब तक हाथ में लगी है? जी अभी तक जो SDPO से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि मैं खुद नौरंगिया और जिस जगह की घटना है वह सारे जगहों पर मैं जा रहा हूँ, जांच करूंगा और जांच करने के बाद स्पष्ट कर पाऊंगा कि क्या मामला है वीडियो का। लेकिन यह स्पष्ट है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिसकर्मी वर्दी के धवल दिखाकर लोगों से अवैध रुपये का वसूली कर रहा है, तो यह पूरी तरह से बगहा पुलिस को शर्मसार कर रहा है यह पुलिस पदाधिकारी और आम जनता को परेशानी झेलना पड़ता है। कागजात के नाम पर अन्य गाड़ी की जांच के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जाती है और जगह जगह बता दें कि अगर पुलिस सिर्फ वाहनों के नाम पर अवैध वसूली करती है और आए दिन अवैध काम होता है, अवैध गाड़ियां जा रही हैं, जो ओवरलोड गाड़ियां जा रही है उस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाई जा रही है, अवैध रूप से गाड़ी चल रहा है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ कागजात जांच के नाम पर पुलिस लूट खसूट कर रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बगहा का ये पूरा मामला है और पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगा है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और SP को भी संज्ञान में दे दिया गया है, SDPO ने जांच के आदेश दिए हैं।